ਮਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਨਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਵਾਪਸਤਾ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਰਹਿਨਮਾ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆਰ ਐਮ ਸਰਾਸ ਜਲਸਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बाप और बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मैं अपने खुदावन यीशु मसीह जो सुला सलामती अमन के शहजादे हैं, मनजी आलमीन हैं, के नाम से आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और आज इस प्रोग्राम में आकर ये खुशी महसूस करता हूँ कि मुझे भी मौका मिला ताकि मैं यहाँ आकर मोहब्बत के पैगाम को जो मेरे सुपुर्द हुआ है, जो मुझे दिया गया है, ताकि मैं इस मोहब्बत के पैगाम को, इस पीस मैसेज को यहाँ आकर तकसीम करूँ, प्रीच करूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है गर्ज अमीर ईमान मोहब्बत ये तीनों तहमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। अगर मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबाने बोलूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठंड छलाता पीतल और छनछलाती छाछ हूं, मैं कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपना बदन चलाने को दे दूं, सब कुछ कर लूं, अगर मुझ में नफरत है, अगर मुझ में गुनाह है, बदी है, इल्मे इंसानियत से मैं खाली हूं और मैं दुश्मनी पर तुला हुआ हूँ, दूसरों से कहर करता हूँ, दूसरों का हक खा जाता हूँ, तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मोहब्बत है वो सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। जब मुझ में और आप में मोहब्बत होगी तो बाइबल मुकद्दस में जब पढ़ते हैं God is love, love is God, खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा है। अगर हम खुदा के मानने वाले हैं तो यकीनन फिर मोहब्बत हमारे अंदर होगी और फिर हम मोहब्बत को बांटने वाले होंगे, फिर हम मोहब्बत से एक दूसरे की मदद करने वाले होंगे, मोहब्बत से हम गिरे हुओं को उठाने वाले होंगे, और ना सिर्फ उठाने वाले होंगे बल्कि उनको, गिरे हुओं को, जख्मियों को लेकर हॉस्पिटल में ले जाने वाले होंगे, और उनके बदले में अपने फटवे से दो दिनार निकाल कर देने वाले होंगे, और फिर कहने वाले होंगे डॉक्टर से कि इसकी जरा अच्छी देखभाल करना, मैं फिर आऊंगा और जो कुछ इस पर खर्च होगा वो मैं आकर अदा करूंगा। इसमें बिला तफरीक मजहब नस्लो रंग की बात हो रही है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तेरा पड़ोसी वही है जो तेरे साथ चलता है, इसमें मजहब का कोई नाम नहीं है। आज मुझे और आपको, हम सबको उस नेक सामरी की तरह रोल अदा करना है और मोहब्बत